महमूद खान अचकज़ई ने कहा है कि मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं, उसकी तर्दीद या तस्दीक नहीं करता, मगर उसके सिवा किसी के पास कोई रास्ता नहीं है। शहबाज शरीफ पार्लियामेंट में असद कैसर, उमर अयूब और बैरिस्टर गौहर खान से मिले। पीटीआई शहबाज शरीफ को जवाब देती तो मुज़ाकरात उसी वक्त शुरू हो जाते। महमूद खान अचकज़ई ने कहा, शहबाज शरीफ अपने बड़े भाई की इजाज़त के बगैर पीटीआई रहनुमाओं से हाथ नहीं मिला सकते थे। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ को मशवरे ना देते तो मामला ठीक हो जाते। महमूद खान अचकज़ई ने कहा है कि मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं, उसकी तर्दीद या तस्दीक नहीं करता, मगर उसके सिवा किसी के पास कोई रास्ता नहीं है। शहबाज शरीफ पार्लियामेंट में असद कैसर, उमर अयूब और बैरिस्टर गौहर खान से मिले। पीटीआई शहबाज शरीफ को जवाब देती तो मुज़ाकरात उसी वक्त शुरू हो जाते। महमूद खान अचकज़ई ने कहा, शहबाज शरीफ अपने बड़े भाई की इजाज़त के बगैर पीटीआई रहनुमाओं से हाथ नहीं मिला सकते थे। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ को मशवरे ना देते तो मामला ठीक हो जाते। महमूद खान अचकज़ई ने कहा है कि मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं, उसकी तर्दीद या तस्दीक नहीं करता, मगर उसके सिवा किसी के पास कोई रास्ता नहीं है। शहबाज शरीफ पार्लियामेंट में असद कैसर, उमर अयूब और बैरिस्टर गौहर खान से मिले। पीटीआई शहबाज शरीफ को जवाब देती तो मुज़ाकरात उसी वक्त शुरू हो जाते। महमूद खान अचकज़ई ने कहा, शहबाज शरीफ अपने बड़े भाई की इजाज़त के बगैर पीटीआई रहनुमाओं से हाथ नहीं मिला सकते थे। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ को मशवरे ना देते तो मामला ठीक हो जाते।